यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। एसवाईएल पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। एनएलओ और साथ ही बीएसपी ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है। एसवाईएल को लेकर सरकार को घेरने की कवायद छेड़ दी गई है। जी हाँ, पानी की दरकार या वोट से प्यार, एसवाईएल को लेकर इनेलो और बीएसपी दोनों के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं। सरकार पर एसवाईएल नहर का निर्माण को लेकर दबाव बनाए जाने की कोशिशें जारी हैं और वहीं बीजेपी और कांग्रेस का ये कहना है कि इनेलो एसवाईएल पर सिर्फ राजनीति कर रही है। एसवाईएल दशकों से वोट देती आ रही है। पानी लाने के कई हिमायती कई बार सामने आए, कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। वादा चुनावी वादा बनता रहा। एसवाईएल पर सवार कई सरकारें भी बनी, लेकिन हरियाणा और खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए एसवाईएल का पानी सिर्फ कागजी संधि रहा। एक बार फिर से चुनाव करीब है और एक बार फिर से एसवाईएल का जिन जगाया गया है। इनेलो ने पहले नहर खोदी, अब जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया गया। भिवानी से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई है और इनेलो बीएसपी के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। एसवाईएल की जहाँ बात करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदा शत्रु जमुना लिंक के निर्माण का होगा तो भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र का होगा। और आज जो लड़ाई चार दशक से इंडियन नेशनल लोकदल लेकर लड़ रही थी, आज कहीं ना कहीं उस लड़ाई को एक आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। जिस प्रकार से गूंगी बहरी खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने निरंतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं उठा, इसके विरुद्ध में हरियाणा प्रदेश का किसान आज मैदान में उतरा। और मैं तो आपको एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ, ये शुरुआत। और अगर इस प्रकार से सरकार गूंगी बहरी बनकर रहेगी तो पूरे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से जेल भरने का काम इंडियन नेशनल। इनेलो विपक्षी पार्टी है, ये उसका धर्म बनता है कि वो मुद्दों को उठाए और अगर वो उठाते हैं तो हमें उसका कोई एतराज नहीं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि एसवाईएल के काम में देरी सिर्फ इनेलो के कारण हुई है। जहां तक एसवाईएल का सवाल है, आज हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि एसवाईएल का जो विलम्ब हुआ अब तक, जो हरियाणा को इतना पानी नहीं मिला, उसके लिए पूर्ण रूप से इनेलो के नेतृत्व जिम्मेवार है। और उस समय ये भारतीय जनता पार्टी भी इनकी साझेदार थी और आज भी ये मिली भगत है, नहीं तो कोई सवाल नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और वहाँ गृह मंत्री के यहाँ सब वकीलों से बातचीत हो गई, वहाँ पूछा गया कि कोई एग्जीक्यूशन की जरूरत है क्या, उन्होंने कहा नहीं, जरूरत कोई नहीं है, फाइनलिटी कर चुका, अपने आप अपनी तरफ से जो है इनका सॉलिसिटर जनरल एप्लीकेशन दे देते हैं कि दोनों स्टेट बातचीत से निपटने वाली। बातचीत की कहाँ गुंजाइश रहेगी, वहाँ भाजपा साथ ही थी पंजाब में जब एसवाईएल हटवाने का काम किया, ये नहर हटवाने वाली सरकारें हैं भाई, नहर खोदने वाली सरकारें नहीं। बहरहाल एक बार फिर से एसवाईएल पर सियासी बवाल देखने को मिला है। एक बार फिर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नहर निर्माण की बातें कह चुका है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी हैं। अब सड़कों पर आने या गिरफ्तारी देने से नहर में पानी आएगा या नहीं, या फिर वोट बैंक का खेल ही खेला जाएगा।
ये देखना दिलचस्प होगा। खबर अभी तक के लिए भिवानी से सुमित कुमार और चंडीगढ़ से कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की रिपोर्ट। तो इनेलो कह रहे हैं कि एसओएल की देरी में बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस कह रही है कि इनेलो का ये ड्रामा है महज, और वहीं बीजेपी का कहना है कि वो भरपूर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वह एसओएल का पानी हरियाणा में लाया जाए, लेकिन राजनीति लगातार जारी है, लेकिन पानी आज भी एसओएल का हरियाणा तक नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन शुरू किया गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इनेलो तमाम कोशिशें करती रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों का कहना है कि इनेलो राजनीति कर रही है एसवाईएल को लेकर। राजनीति कितनी है और कानूनी पक्ष क्या है इस पूरे मामले का, इसको लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल मेरे साथ है, संजय आहूजा जी है हमारे साथ, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता आप हैं, साथ ही हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता रंजिता मेहता जी हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता रविंद्र ढुल जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता गुरिंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ हैं, और एक और मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर श्याम सखा श्याम। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे बीजेपी से। संजय आहूजा जी, क्या आपको लगता है कि सरकार ने मौका दिया है विपक्ष को कि एसवाईएल को लेकर राजनीति भी की जाए और सरकार को घेरा जाए? नहीं, सरकार ने कोई मौका नहीं दिया, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि अपनी खामियों को छुपाने का वो मौका ढूंढ रहे हैं कि हम अपनी जो खामियां जो हमारी रही हैं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, पहले से साफ था। जब पंजाब में बादल सरकार की थी और हम अलायंस में थे, तब भी हरियाणा भाजपा की यही मांग रहती थी कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, ये स्पष्ट है हमारा। और अब भी वही है कि हमने हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो तब भी रुख साफ है कि हमें पंजाब का जो एसवाईएल का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। रंजीता जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल, बहुत हास्यास्पद लगता है जब इस तरीके की बातें की जाती है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अच्छी पैरवी नहीं कर पाते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर सकते, उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है, वो स्पष्ट है कि हम पानी लाना चाहते हैं, जब दिसंबर नवंबर दिसंबर से ऑलरेडी फैसला आ चुका है, तो किसने हाथ बांध रखे हैं? क्या मोदी जी जो हैं दोनों सरकारों को बिठाकर, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो पंजाब है, इनको फैसला नहीं करवा सकती? किसने हाथ बांध रखे हैं, किसने रोक रखा है? पैरवी की बात आएगी तो बीजेपी को क्रेडिट जरूर जाएगा, पैरवी की गई बीजेपी की ओर से, वो बात अलग है कि फैसला कब लागू करवाया जाना चाहिए। अभी भी हमारा कैबिनेट पूरा माननीय नितिन गडकरी से मिले अभी जाकर, और दोनों अभी भी वही चल रहा है कि दोनों सरकारों को बैठकर और कितनी देर चलाएंगे, और कितनी देर चलाएंगे, और कितने महीने लगाएंगे? क्या आप चुनावों की वेट कर रहे हैं? क्या चुनावों की वेट कर रहे हैं आप? और कितने महीने लगाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 6 महीने आप निकाल चुके हैं, इससे पहले 10 साल छह महीने निकाल चुके हैं, पहले आईएनडी की सरकार रही, किसी ने नहीं था। आप लोग सहयोगी रहे, आप लोग सहयोगी, बिल्कुल सहयोगी रहे, उसको लेकर हमारे 5 विधायकों ने एसवाईएल के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था जब हम अलायंस में थे इनेलो के साथ। तब तक उंगली कटवाकर शहीद बनती रहेंगी पार्टियां। ढुल साहब, क्या इनेलो राजनीति कर रही है एसवाईएल को लेकर? देखिए ज्योति, हमने नवंबर 2016 में जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, हमने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि 2004 में जो काम हम अधूरा छोड़ करके गए थे उस काम को जो है पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि उस समय पर हमारी सरकार चली गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार थी उस समय पर, पंजाब में भी थी और हरियाणा में भी थी। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2004 में ऑर्डर आया था एग्जीक्यूट करवाने का, आप इसे एग्जीक्यूट कराइए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आपको बता दूं, एक मिनट के अंदर समाप्त कर देता हूं, भाजपा बेशक कितनी भी बातें किए जाए, हम बात करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2016 में भी, नवंबर में तो फैसला आया था, दिसंबर 2016 में एक आदेश पारित किया था, उस आदेश के अनुसार केंद्र को हरियाणा और पंजाब के बीच में मीडिएट करके इस मामले का समझौता करवाना था। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, मित्र से, मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि क्या हरियाणा और पंजाब के बीच में इस प्रकार की कोई वार्ता हुई है केंद्र के अंदर? यदि हुई है तो उसका इस समय पर क्या नतीजा है? क्योंकि बार बार हर तारीख पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है केंद्र सरकार को कि आप बार बार समय क्यों ले रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा पूरा कैबिनेट जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी भी थे उसमें, कि माने नितिन गडकरी से मिले और इसको। लेकिन संजय जी देखिए, नितिन गडकरी जब हरियाणा में आते हैं तो वो बात करते हैं पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, हरियाणा को देंगे, उनकी ओर से नहीं कहा गया। जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बोलते हैं उनकी ओर से नहीं कहा जाता कि पंजाब का पानी जो है, एसवाईएल का पानी जो है, जो कि हरियाणा को मिलना चाहिए, और जबकि सरकार भी आपके, केंद्र सरकार का भी रुख साफ है कि एसवाईएल पंजाब का पानी, हरियाणा का जो पानी जो हिस्से का बनता है वो मिलेगा। देरी क्यों हो रही है संजय जी, क्यों देरी? देखिए देरी, फिर वही बात,
हमने प्रयास तो किए, प्रयास इन्होंने, देखिए मेरी बात सुनिए, काबिले तारीफ आपके प्रयास, जो प्रयास देखिए हमने 3.5 साल में जो प्रयास किए, बिल्कुल किए, 1977 में चौधरी देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने काम रुकवाया था, 1985 में फिर आए थे, फिर उन्होंने काम, पहली बार तक तो इंदिरा गांधी ने लगवाया और आप कह रहे हैं कि समझौता करने वालों को, रुकवाए की बात कर रहा हूँ रंजीता जी, 1977 में जब चौधरी देवीलाल जी आए तो इन्होंने काम रुकवाया था, इसमें राजनीति, मैं फिर वही आ रहा हूँ, इसमें राजनीति 1977 में दिया था जनता को, किसानों को भ्रमित कर रही है इनेलो सरकार। विपक्ष का सवाल है संजय जी कि आखिर देरी क्यों हो रही है आपकी केंद्र में सरकार, मैं फिर वही बता रहा हूँ, कोशिश कर रही है, तो जो विपक्ष है वो क्यों नहीं समझ पा रहा, जो जनता इसको किस तरह समझाएंगे कि आखिर अब क्या देरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं समझता, चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सुनिए जब फैसला आया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बादल को जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे उनको अपने निवास पर बुलाया, वार्ता की, वो विफल रही, उसके बाद सेंटर मिनिस्टर सेंटर में जाके से बात की, देखिए ये बात ऑन रिकॉर्ड है, देखिए अगर बीजेपी के प्रयास में कहीं कमी हो वो बात करें, देरी हो रही है, ये अपनी बात करें कि इनके टाइम में कितनी देरी हुई, मैं इसी कारण इसके ऊपर राजनीति नहीं कर रहा हूं। सीधा सा सरल सा सवाल आपसे, नहर निर्माण की दिशा में काम कितना करवाया गया, क्या शुरुआत करवा दी गई, क्या पंजाब के हिस्से की नहर का निर्माण जो होना था उसमें शुरुआत हो पाई, बताइए आओजे साहब आप कैसे नहर निर्माण की दिशा में कोई काम कर पाए आप लोग, आपको लगता है कि विपक्ष को नजर नहीं आता लेकिन जनता को किसानों को नजर आ जाता अगर आप नहर निर्माण शुरू करवा देते केंद्र की सरकार, फिर वही बात, नहर निर्माण की ही तो बात चल रही है अभी, पानी नहर का निर्माण होगा तो पानी आएगा उसमें, बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पंजाब का जो हिस्से का एसवाईएल का पानी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याद मतलब, लेकिन आप अपने को समझाने में भी विफल रहे हैं कहीं ना कहीं, आपने खुद कहा है, फिर बता रहा हूं वार्ता विफल हुई, आपने खुद कहा आपके सहयोगी थे, देखिए बिल्कुल मैंने बिल्कुल ये देखिए ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जो उस टाइम के प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री अपना मनोहर लाल जी से मिले और उस वार्ता में वो विफल रही कि उन्होंने कहा हम नहीं देंगे पानी, लेकिन उस टाइम भी हम अलायंस में थे पंजाब में, नहीं हम पंजाब और हरियाणा की बात ना करके सिर्फ दिल्ली की बात करें, दिल्ली से पार्टियां क्यों नहीं बोलती, दिल्ली की सरकारें क्यों नहीं बोलती, केंद्र सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई, मैंने कब कहा नहीं हुई, मैं तो वही कह रहा हूं कि उन्होंने मध्यांतर बीच बचाव में आए, बीच में आए उन्होंने ये बात कही है, ये मैं वही बता रहा हूं, हमारा जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है वो सारा नितिन गडकरी से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस बीच में बैठ के निकालेंगे इसका, ज्योति जी आज जितनी भी ओपोजिशन है और जो घड़ियालियों आंसू बहाए जा रहे हैं या जो भी नौटंकियां की जा रही है इस पानी को लेकर, ये पानी 1987 से पहले पहले ही आ गया होता, 1986 के अंदर राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ और बकायदा उस समय जो भाईबंदी हो रही थी और जिन्होंने पगड़ियां बदली हुई थी, जिन्होंने वहां की पुलिस की सिक्योरिटी तक ली हुई थी, उन्होंने न्याय युद्ध छेड़ा और 1986 बिल्कुल नैलो की बात कर रही हूँ, उस समय जो ये आंदोलन छेड़ा गया उसकी वजह से आज तक ये मामला जो है ये पेंडिंग पड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो कि इनेलो आज ड्रामा कर रही है, बिल्कुल आप देखिए बादल के साथ पगड़ी बदल इनका भाई वाला रिश्ता था, उसके बावजूद जो उनकी वहां से पंजाब की सिक्योरिटी थी वो आज तक यूज की जा रही थी जब तक वहां पर सरकार नहीं बदली गई, आप कहते हैं सरकार आहूजा जी आहूजा आप विपक्ष में हैं, धूल साहब आप विपक्ष में हैं तब एसवाईएल की बात करते हैं, जब समझौता किए जाने की और साथ ही फैसला लेने की स्थिति में थी इनेलो, साथ ही जो पारिवारिक रिश्ते थे बादल परिवार के साथ उसके बावजूद भी कोशिशें की जानी चाहिए थी लेकिन समझौते को लेकर खिलाफत की गई उस वक्त, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बताता हूँ कि समझौता राजीव लोंगोवाल उसकी जिसको लेकर के कांग्रेस हमेशा से बरगलाती रही है, हमने केवल इस बात का विरोध किया था उसमें हरियाणा के हिस्से से चंडीगढ़ को पंजाब को क्यों दिया गया पहली बात, और दूसरी चीज एसवाईएल के अंदर जो पानी समझौता चौधरी देवीलाल ने जो समझौता किया था उसके अनुसार जो है एसवाईएल का पानी का शेयर जो है राजीव लोंगोवाल में घटा दिया गया था, लेकिन एक चीज एक बड़े एक बोली एक मिनट प्लीज मेरी बात को सुनिए, दो चीज
ठीक है, उसमें शेयर हमारा तय किया गया था। बाद में जो राजीव लोंगोवाल जो समझौता हुआ उसमें यह कहा गया कि हम इस मामले को कि पानी का क्या शेयर होगा उसे अभी हम ट्रिब्यूनल को सौंपेंगे। लेकिन इस मामले में 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे कांग्रेस बार बार जो है छिपाने का प्रयास करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजीव लोंगोवाल समझौता केवल एक रद्दी की टोकरी के था, इसके अलावा कुछ नहीं था और पूरी तरह से गैर कानूनी समझौता था। ये बताइए कि राजीव लोंगोवाल समझौते में कौन सा अधिकारी पक्ष था, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री थे या पंजाब के मुख्यमंत्री थे या केंद्र के प्रधानमंत्री थे, ये तीन लोग थे। लोंगोवाल कौन है, लोंगोवाल कौन है, पंजाब के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल था और हरचरण सिंह। अरे मैंने जो बात बोली है आपको, ये इसी कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया। हरियाणा का हक का पानी मिलना चाहिए। पंजाब ने, एक मिनट नंदिता जी मेरी बात को पूरी करने दे, मेरी बात पूरी करने दे, मेरी पूरी बात करने दे। पंजाब सरकार ने राजीव लोंगोवाल की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके राजीव लोंगोवाल समझौते को ये कोर्ट मान्यता नहीं देगी, ये गैर कानूनी है। 2002 के जो जो जजमेंट, अरे मैं कह रहा हूँ गैर कानूनी था। आप ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ को आप पंजाब को दे दो तो हम नहीं देने देंगे। तीनों भाई और बहनों ने करी है, दोनों पे एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। 1976 में पहला नोटिफिकेशन होता है हरियाणा बनने के 10 साल बाद 24 मार्च को 1979 में। 1979 में उस नोटिफिकेशन का और 68 जो पंजाब री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उस पर दोनों पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 में एक मुकदमा फाइल कर देती हैं। दो तीन साल गए, 1981 में इंदिरा गांधी के साथ पंजाब और हरियाणा और राजस्थान मिलकर एक सेटलमेंट कर लेती हैं। हाँ। जो बाइंडिंग सेटलमेंट माना गया बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में 1981 में एक सेटलमेंट हो जाता है, उसके मुताबिक SYL बननी है, उसके मुताबिक पानी का बंटवारा कर दिया गया जैसा भी है। उसके बाद फिर पंजाब में वो जो हालात बन गए उसके चलते चलते फाइनली वो मुद्दे पैदा हुए, हम सब जानते हैं। फाइनली उन एक राजीव लोंगोवाल समझौता होता है जिसके मुताबिक बहुत सारे फैसले होते हैं और पानी भी एक मसला है। 1986 के बाद फिर अगला काम शुरू हो जाता है कि सरकारों में फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं ये आप देखते चलो, 2002 में फिर दोबारा से ये झगड़ा शुरू होता है और 2004 में एक सरकार है। अभी मैं हुड्डा साहब को भी सुन रहा था और मेरी कांग्रेस की बहन जी भी बोल रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी तरह से भी, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। 2004 में एक रेफरेंस चली जाती है और 2016 में वो डिसाइड हो रही है। 12 साल में 10 साल आपकी सरकार है नंबर एक। कम से कम बीजेपी, हाँ, अब दूसरी बीजेपी ने क्या किया उसकी, संजय जी बीजेपी की भी बात मैं करता हूँ आपसे। वो बीजेपी ने यह किया कि बीजेपी किसी तरीके से ये साल 6 महीना और निकलवाना चाहती है, अपना टाइम निकले किसी तरह। 2016 नवंबर में ये सारा कुछ हो चुका है। मेरा ये कहना है कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि पंजाब का एग्रीमेंट जो बिल है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कानूनी तौर पे कि ये SYL का मसला बिल्कुल सेपरेट है बाकी सारे सेटलमेंट से और ये बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज का निर्माण करेगी पंजाब और हरियाणा को, पंजाब को साइड में कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि पंजाब ने जो डी नोटिफाई लैंड कर दी है उसको स्टे कर दिया गया है। बाकी क्या रह गया है, बाकी था कोर्ट में ऑर्डर लेना। वहां पे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी मौजूदा सरकार हो, कोई भी किसी तरह का कुछ करना नहीं चाहती, इसलिए वहां जी हमारा समझौता हो सकता है, हम ये करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री दखल देंगे। प्रधानमंत्री ने किस दिन बैठ के दोनों चीफ मिनिस्टर को बुला के 10 नवंबर 2016 के बाद कोई बात करी हो? तो इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी 1976 से लेके 2018 में आप चार सालों की गिनती कर लियो, 4 दशकों में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती कि कानूनी तौर पे फैसला हो। संजय जी मेरे भी सवाल है आपसे कि जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि आप टाइम पास कर रहे हैं, धीरे धीरे समय निकलता जाए, चुनाव आ जाए नजदीक, सब कुछ आपके पक्ष में है, कानूनी पक्ष आपके हक में है, तो आप देरी क्यों? वही सवाल घूम फिर कर आप पर ही आता है। हमारा बिल्कुल ये प्रयास नहीं है कि हम समय बिताने में विश्वास रख रहे हैं। हमारा प्रयास समय बनाने, संजय जी समय बिताने में विश्वास नहीं रख रहे, तो ये कौन सा कानूनी बात आपने कही कि हम पंजाब और हरियाणा दोनों बैठकर मसला सुलझाना चाहते हैं? ढुल्लू साहब से मैं सिर्फ एक ही बात से सहमत हूं कि ये जिस स्टेज पे है 1976 से लेके 2016 तक, साल गिन लो कितने बढ़ते हैं, 40 चार दशक
पैदा हुए नहीं बहुत सारे लोगों को होते, और उसके बाद आप फिर कहते हैं जो हम बातचीत से समझौते करेंगे। बातचीत वाले दो समझौते 1981 का और 86 का, उसका आश्रम देख रहे हैं। मैंने बातचीत समझौते वाली बात नहीं की, मैंने बातचीत इसलिए की कि कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुलाकर बैठ कर ये कहा कि कोर्ट के फैसले को हम सम्मान करें, उसके लिए बातचीत के लिए बात की मैंने। बातचीत ये नहीं कि हम कोर्ट के फैसले को अलग दरकिनार करें और हम अपनी बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी बात, और दूसरी बात, दो हजार भी नहीं मानता, एक हरियाणा है जो सिर्फ कहता है कि मुलाकातें की जा रखी हैं। बताइए संजाव जज। नहीं मैं तो फिर वही बात, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं इस चीज के लिए, जो कोर्ट का फैसला आया है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कोर्ट के फैसले पे पंजाब जो अपनी कैबिनेट में अभी उन्होंने इस बिल को निग्लेक्ट कर दिया, पारित कर दिया था मेरे ख्याल से इसको, कि हम इसको नहीं मानेंगे। कौन से प्रयास हैं जो कि नजर नहीं आ रहे? आपने मुंह से कह रहे कि निग्लेक्ट कर दिया था, वो आप पंजाब के मुख्यमंत्री ने, आपकी सरकार ने, जब कैप्टन साहब नहीं, जब कैप्टन साहब आए उन्होंने देखिए, उन्होंने सवाल मेरे से पूछा, नहीं आपने मेरी बात को काटा था, उस बात का जवाब दे रहा हूं। जब आपकी सरकार थी तब आप जब ये पंजाब प्रधानमंत्री जी एक भी इंटरफेरेंस, हर रोज मन की बात टीवी खोल के देख लीजिए, हर चैनल में चल रही होती है उनकी, इसको लेकर मन की बात क्यों नहीं करते? आज SOL का पानी हरियाणा की जो लोग हैं उनकी लाइफ लाइन है, आज कितने एरिया जिसकी वजह से डार्क जोन में जा रहे हैं, पानी का समस्या इतने साल 40 सालों से चली आ रही है, जब हमारे आज हमने पानी दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने का काम किया, बातें पानी पहुंचा दिया आपने, अरे आप यहां के लिए पता चले कैसे हो रही है, आप करिए आप दक्षिण हरियाणा में जाइए, पानी के दरकार या वोट से प्यार, 4 दशक होने को है, 40 साल होने को है, लेकिन फिर भी पानी हरियाणा में नहीं आया। कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई, वायदे हुए हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा के लोग आज भी पानी को तरस रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनका परिचय आपसे करवा दें, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर श्याम सखा श्याम है हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। इनेलो से एक और सवाल हम पूछेंगे, ढुल साहब क्या लगता है, पहले भी आप लोगों ने कोशिशें की थी, नहर खोदने गए थे, बीजेपी की ओर से कांग्रेस की ओर से कहा कि सड़क खोद कर आप लोग आ गए, क्या ये रास्ता है नहर निर्माण का? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बता दूं ज्योति कि विपक्ष का जो कार्य होता है वो रहता है सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव बना करके और उसे सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना। हमारा उस समय का भी जो कार्यक्रम था वो इसलिए था कि हम सरकार को सिंबॉलिक तौर पर यह स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते थे कि आप जो है अपनी बात को जो जो आपके हरियाणा के हित में जो हमारा फैसला आया है आप उसे पूरा कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम ये बात कहकर के केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार तीनों को आप प्रदर्शन करते हैं, बीच में शांत हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। शांत कहाँ हुए कमल जी, आप बताइए कि कम शांत हुए? डेट रख देते हैं, एक नहीं हमारे कम से कम 5-6 अलग 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 चल रहे हैं हमारे प्रोग्राम, को एक प्रोग्राम नहीं है। हम SYL के मामले में गांव हरियाणा का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 4 या 5 बार नहीं गए हो पिछले 2 साल के अंदर, ये भी एक सच्चाई है। हमारी जो रैली हुई, हमारी जो जितनी भी जनसभा हुई, उस सब में SYL का सबसे पहले हमारा रहा। जितनी भी हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग रही उसके अंदर हमने SYL का मुद्दा उठाया, चुनावी मुद्दा बनाने के मोड पे हमने SYL के अलावा दादूपुर नलवी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, किसान कर्जा माफी, एक नहीं कई मुद्दे एक साथ लिए हैं। और आज के दिन में चौधरी अभय सिंह जी ने जब इसकी जेल आंदोलन की घोषणा चंडीगढ़ से की थी, उन्होंने उस समय पर ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि ये मुद्दे जो हैं इन मुद्दों को हम आगे लेकर के जाएंगे। मुद्दा केवल SYL नहीं है, मुद्दे इसके अलावा हमारे नहरी पानी के और भी बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। सभी मुद्दों के ऊपर ये हमारा एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट है हमारी पार्टी के द्वारा कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार इसे बनाए। SYL पर बातें सभी पार्टियों को आती है लेकिन हरियाणा के हक का जो पानी आना चाहिए था वो नहीं आता। देखिए सिर्फ SYL ही नहीं, आप किसी भी मुद्दे को ले लें, जब ये पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो अलग बात करती हैं,
और जब सत्ता में होती हैं तो अलग बात करती हैं। अभी ढुल साहब ने सारी हिस्ट्री तो बताई थी, लेकिन अगर आप वैसे देखें, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे कावेरी का मुद्दा हो, चंडीगढ़ का मुद्दा हो, या SYL का मुद्दा हो, तो इन सब के ऊपर अगर इन तीनों पार्टियों को देखा जाए तो कभी सॉल्व करने का इन्होंने सोची ही नहीं। सॉल्व करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अगर सॉल्व कर लेंगे तो फिर रोटियां कैसे सेकी जाएंगी, मुद्दा खत्म हो जाए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, सम्मान तो हमने पद्मावती में भी देख लिया था, सम्मान तो जस्टिस जोसेफ के मामले में भी देख लिया था, और आप चाहे नरेंद्र मोदी जी की वो देखें, चाहे विपक्ष वालों की देखें, राहुल की देख लें आप, वो जब विपक्ष में होते हैं, चाहे GST थी चाहे और कोई भी चीज़ थी, मरेगा सब भाषा अलग बोलते हैं, तो इनको कोई लेना देना नहीं जनता के दुख तकलीफ से, किसी भी पार्टी को मैं कहना चाहूँ। अगर ये इसको ठीक करना चाहे तो एक मिनट में ठीक होता है। जब आप GST लगा सकते हैं, सारे देश में एक टैक्स है, तो आप जो है पूरी नदियों के लिए एक नेशनल ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बना देते, और राइपेरियन स्टेट का जो थी बात वो कंट्रीज के बीच में थी, ना कि प्रोविंसेस के बीच में, तो इस चीज को यहां लागू होना बेवकूफी की बात है। लेकिन जो अभी ढुल साहब ने एक और बात कही कि वाकई पहले ये दोनों पार्टियां करती रही, अब भाजपा भी ये चाहती है कि 6 महीने बीत जाए तुम्हारा पीछा छूटे, क्योंकि ना वो पंजाब की वोट लोकसभा की खोना चाहती है, ना हरियाणा की खोना चाहती है। ये सीधी सी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पहले स्पष्ट रूप से बताया कि हम इसके लिए बहुत कीन है कि SYL पंजाब का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैंने फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि 2004 में जब INLD की सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, और पंजाब में अकाली और भाजपा की सरकार थी, तब भी हरियाणा में हरियाणा की भाजपा ने एक ही मुद्दा उठाया कि SYL का पानी पंजाब का जो है हरियाणा को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, और उस टाइम भी INLD विपक्ष में थी, देखिए मेरी बात सुनिए, विपक्ष में थी 2004 से लेके 2014 तक, आज तक एक बार भी INLD ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। क्यों उनकी आप SYL पर करेंगे क्या, ये बताएं ना कि इन लोग क्या कर रहे हैं। संजय जी, संजय जी, जवाब दीजिए। नहीं संजय जी, संजय जी, क्यों प्रदर्शन नहीं करे थे, प्रदर्शन क्यों नहीं करे थे इन लोग 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, क्यों? इसलिए कि पंजाब में अकाली से इनका अलायंस, मतलब हरियाणा में इनका अकाली का अलायंस था इनका। अच्छा, और उनका अपना आपस में जो पारिवारिक संबंध है, आपका अलायंस था नहीं था? नहीं नहीं, हम तो मैंने कहा 2004 के बाद जब भाजपा की सरकार थी पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार थी, हम नहीं सर, जो गलतियां हरियाणा का स्टैंड क्लियर था। देखिए जो गलतियां पिछली सरकारों ने की, आप उसको क्यों गिनवा रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं सर? विपक्ष लगातार आप पर दबाव बना रहा है, दबाव आप बन रहा है नहीं बन रहा है ये बताइए। नहीं, दबाव किस चीज का बन रहा है? नहर बनाने का। मैं फिर वही बात कर रहे हैं आप, मैंने कह तो रहा हूं आपको कि हमारा जो कैबिनेट है, पूरा का पूरा कैबिनेट जाके नितिन गडकरी से मिला इस फैसले को लागू कराने के लिए। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दीजिए, आप देखो क्यों नहीं बोलते। नहीं, आप एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दीजिए नितिन गडकरी को। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार थी जिसने सर्वदलीय बैठक सिर्फ SYL मुद्दे पर बिठाई थी। जब आपको कहा था कि विपक्ष आपके साथ है, अब क्यों साथ लेके गए उनको? जब GST के लिए इतनी मेहनत की जा सकती है तो इनके लिए नोटबंदी के लिए की जा सकती है। रंजीता जी, रंजीता जी, लगातार सवाल उठते हैं, सिर्फ 2004 से 2014 का जिक्र होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो आपकी सरकार ने भी की है, क्यों कोशिश नहीं की उस दौरान सर, ये नहर बनाने की, पानी हरियाणा लाने की? आज तक हिस्ट्री से लेकर अब तक देखिए, अगर कोशिश सिर्फ की है इस नहर के मामले में तो कांग्रेस पार्टी ने की है। जहां तक 10 साल की आप बात करते हैं, 2004 से 2014 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था जी, सेंटर में कांग्रेस सबसे ज्यादा रही, पंजाब की और बात आपके ही नेता, मैडम आपके नेता जब हरियाणा में रहते हैं, जब आपके नेता हरियाणा में रहते हैं तो SYL की बात करते हैं कि पानी हरियाणा में आना चाहिए, लेकिन पंजाब में जाते हैं तो सुर बदल जाते हैं।
किसके सुर बदले पहले तो ये बता दीजिए, कांग्रेस के नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला सिर्फ बोलते हैं नेशनल मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जाते हैं, उन्होंने एक भी शब्द एसवाल को लेकर नहीं बोला। वो पार्टी का स्टैंड होगा या नहीं होगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बोलेंगे, मीडिया कोऑर्डिनेटर जो बोलेंगे, मीडिया कोऑर्डिनेटर ने वहां पे कुछ भी नहीं बोला। पार्टी का स्टैंड होगा पंजाब का पानी पंजाब वास्ते, पंजाब का पानी पंजाब वास्ते घोषणा पत्र का पहला वादा सुरजेवाला हाथ में घोषणा पत्र को उठाते हैं। कांग्रेस का स्टैंड है वो कांग्रेस का स्टैंड इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कहेंगे वो कांग्रेस का स्टैंड होगा या नहीं होगा। ज्योति जी मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, एज ए नेशनल प्रवक्ता वो हमारे पूरे राष्ट्र के प्रवक्ता हैं और वो पंजाब के अंदर वहाँ पे एसवाईएल का पानी के ऊपर पंजाब के पानी की भी बात नहीं है। दो बातें हैं, एक तो जब पाकिस्तान से समझौता हुआ तो ये पानी सारा हो गया, नहीं तो वहां भी जाना था। दूसरा, इस वक्त जो पानी आना है, अगर 9 किलोमीटर की नहर बनती है तो मोरारी झील से आना है जो जम्मू कश्मीर में है, ना कि यहां से कोई सतलुज का पानी आना है, समझे क्या नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो आज सरकार है या 2016 में थी, दे डिंट टेक एनीथिंग। सबसे बड़ी बात यह कि आज के दिन जो पानी आना है वो सतलुज का नहीं आ रहा है, वो मोरारी झील से आ रहा है जिसके जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर वो 9 किलोमीटर की सड़क बन जाती है नहर, तो उसमें सीधा आ जाएगा पानी जिसमें पंजाब का कोई पोर्शन नहीं है। सबसे जमीन की फैसले है। सुनाती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन फैसलों को नहीं मानती, क्या बात ही नहीं है फैसले मानने के लिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। 2004 में पंजाब ने वो जो बिल बनाया वो कौन सी सरकार ने बनाया? कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, इसलिए ये जो ना, और मैं इस बात को गलत नहीं कहता कि उन्होंने बनाया या गलत किया, पंजाब की कांग्रेस का काम है पंजाब के हितों के या पंजाब में अपनी राजनीति करना, हरियाणा की कांग्रेस का काम है हरियाणा के हितों की रक्षा करना या हरियाणा के हिसाब से अपनी राजनीति करना। तो ये लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, इनको कहना चाहिए कि हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमें करनी है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ये उनके काम है, वो करते हैं, वो रीजनल एस्पिरेशन, नेशनल पार्टी रीजनल बातें कर सकती है, इसमें नहीं गलत है। ये तो एक पार्ट है। अब जो दूसरी मैं टिप्पणी करना चाहता था, जो मैं पहले भी कह रहा था कि 2004 में एक एग्रीमेंट आता है, प्रेजिडेंशियल रेफरेंस जाती है, 12 साल में वो प्रेजिडेंशियल रेफरेंस डिसाइड होती है, जिसमें 10 साल कांग्रेस की हरियाणा में सरकार रहती है। ये बिल्कुल ठीक है कि उस दौरान कोई हो हल्ला, कोई एसवाईएल कुछ नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने पहले कहा है, जिसको ये लोग ठंडे बस्ते में रखना चाहते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का मसला हो, चाहे वो भाषाओं का मसला हो और चाहे वो नहर का मसला हो। हाँ। ये मुद्दे, जैसे आपने कहा है दोनों ने पहले भी, कि ये मुद्दे सिर्फ कभी कभार वोटों वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। हाँ। लोगों के साथ ये कंसर्न रखने के लिए मुद्दे इनके नहीं है। अदरवाइज देश की सुप्रीम अदालत ने एक फैसला कर दिया, उसने स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी, उसने ये कह दिया कि सेंट्रल एजेंसी बनाएगी, और ये और कोशिश की जा रही है सभी पक्षों की तरफ से, खास करके मौजूदा जो पक्ष होता है, जब कांग्रेस थी उसने पक्ष कोशिश करी, जब कोई दूसरी पार्टी थी उसने करी, और अब किसी तरह से इस बात को ठंडे बस्ते में डाला जाए, बातचीत का नाम लेके और वहां से निकला जाए और अगले इलेक्शन तक काम निपटे, हम क्यों पंगे में पड़े। दुल साहब जी, जेल भरो आंदोलन आपने चलाया है, आपके नेता जा रहे हैं जेल, वहां पर अपराधी अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे नेता नहीं, आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप क्यों ऐसा कदम नहीं उठाते हैं? जो दो पार्टियां हैं, आप विपक्ष में भी हैं, बीजेपी को समझाइए कि आप भी हमारे साथ चलिए, कांग्रेस को कहिए आप भी हमारे साथ चलिए, कुछ ठोस निर्णय तो लीजिए, तीनों मिलकर ही ले लीजिए, कम से कम पानी तो मिले हरियाणा को। एक बड़ा स्पष्ट बता दूं, सर्वदलीय एक बैठक हुई थी जो बिल्कुल एसवाईएल का जो ये केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था नवंबर 2016 में, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सर्वदलीय एक डेलीगेशन जाएगा, प्रधानमंत्री से मिलेगा। आप ये बात करेंगे नवंबर 2016 से आज तक जो है, आप अप्रैल मई 2018 में आ गए हैं, कोई डेलीगेशन नहीं गया, सर्वदलीय एक। दो, अगर यदि अभय सिंह जी का जो ये जेल भरो आंदोलन जो की उन्होंने घोषणा की थी, उसके अगर आप इतिहास में जाएंगे, चंडीगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आज का स्टेप हमारा है जेल भरो आंदोलन करके हम सरकार को चेताना चाहते हैं, ये नहीं करेंगे तो सर्वदलीय डेलीगेशन की जो मीटिंग है वो हम बुलाएंगे और हम भाजपा और कांग्रेस को कहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए। जो आपने बात कही है ये बात चौधरी अभय सिंह जी पहले ही कह चुके हैं, आप यदि चाहें तो उसको लाइव में से अपने में से निकाल चुके हैं। संजय हुड्डा जी, सर्वदलीय जो डेलीगेशन जाता है वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकता है, लेकिन पीएम से वक्त क्यों नहीं लिया गया? हरियाणा बीजेपी से सवाल।
देखिए इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि इसके प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया गया या नहीं लिया गया इस मुद्दे पर, लेकिन नितिन गडकरी से वक्त लिया गया और उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने वही, मैं वही बता रहा हूँ कि इसके लिए बीजेपी मतलब सीरियसली लगी हुई है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से आप मिले, ठोस आश्वासन कोई दिया गया, बिल्कुल समय सीमा निर्धारण किया गया, कोई तारीख बताई गई, ये बताइए उस मीटिंग में क्या हुआ, मुलाकात हुई लेकिन बात क्या हुई उसमें, ये क्लियर कीजिए। देखिए उन्होंने बिल्कुल ठोस यही कहा कि आपका जो एसवाईएल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको हम लागू करवाएंगे। वही बात है, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं देखिए फिर वही बात है, तारीख ये कोई वो नहीं है कि तारीख बाउंड कर दी कि आप कल ही करा देंगे। जनादेश तो 2019 तक का जनादेश है, उससे पहले हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और इस पर कोई राजनीति नहीं होगी। 2019 तक हो जाएगा, कोई इस पर राजनीति नहीं होगी। आप कह रहे हैं 2019 तक इसका पहले हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। मैं इसी बात कहता हूं कि अब ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो इसको पूरा करे, और वो पूरा नहीं कर रही, उसके पीछे भी यही बात है कि अपने इलेक्शन तक खींचो, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल, चाहे वो गडकरी जी से बात हो चाहे तीनों पार्टियां बात करें, देयर इज नो यूज। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि ये नहर तो बननी है तो उसके बाद तो, और किसने बनानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे इस वक्त भाजपा की है, तो इसका मतलब यह है कि भाजपा अपने फर्ज से पीछे हट रही है, क्योंकि इस वक्त तो किसी पॉलिटिकल मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। अब तो सीधी सी बात है, चाहे फौज लाके बनाए और वो बनाना चाहिए। ये जो इस तरीके के डिस्कशन है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है ये। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जिम्मेवारी है, तो मैं तो उस जिम्मेवारी से हम तो कभी भागे नहीं। हाँ, एक कस्सी तो खोद ही नहीं गई कि वहां से एक मिट्टी खोद दी जाए, या कोई खड़ा हो कोई बात है, बस जिम्मेवारी होगी। किसने भरा? बात यह कि अब क्या किया जा रहा है 2016 के बाद से आज तक, या आज तो पंजाब में किसानों की जमीन भी लौटा दी गई, बिल्कुल आपकी सरकार तब भी भरेगी है, आपने क्या किया उस दौरान? संजय जी देखिए कमल जी, मैं फिर वही बता रहा हूं कि जब भी हमारी अलायंस में सरकार थी तब भी हमारी एक ही आवाज थी कि हमने उसमें राजनीति नहीं की, कि जैसे गुरिंदर जी ने बताया कि स्टेट की राजनीति अलग होती है, कि हरियाणा की भाजपा सरकार और पंजाब की भाजपा सरकार में अपने अपने मुद्दे हैं, हमारा एक ही स्टैंड था उस टाइम भी, अलायंस में थे, अलायंस में थे तब भी हमारा था, बिल्कुल था। दो साल में क्या किया इसका जवाब देना, 2016 के बाद 18 तक क्या किया? सिर्फ एक लाइन की बात पूछता हूँ संजय जी, जब आपने पंजाब में सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो लैंड डी नोटिफाई की थी, क्या आपके एमएलए ने या आपके मिनिस्टरों ने उस कैबिनेट में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं? पंजाब में बताइए, भाजपा के बिल्कुल किया गया पंजाब में? आप कहिए, मैंने देखिए फिर वही बात, देखिए अभी आपने बताया कि पंजाब की उसका अपना उसका मुद्दा था, लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयास किया और उनको पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाकर बात की, उसमें हम अलायंस में थे, हम अलायंस में थे। देखिए फिर वही बात, मैंने बताया आपको कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने माननीय जल संसाधन मंत्री से बात की और उनसे कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर मंत्रिमंडल मिला। फिर वही बात, क्या मजबूरी लगती है आपको सरकार की? अभी तक भी सब कुछ उनके पक्ष में है कमल जी, मजबूरी आपको याद होगी जब प्रधानमंत्री का पंजाब के अंदर भाषण था चुनाव के दौरान, वो एसवाईएल की बात कहते कहते अटक गए थे, उसके बाद उन्होंने उस बात को बदल के पाकिस्तान पे ले आए थे। तो उसी प्रकार से जब नितिन गडकरी जी हरियाणा में आते हैं, वो भी एसवाईएल की बात ना करके, जबकि हरियाणा का मुद्दा है, यहाँ पर भी पाकिस्तान के पानी का बात। साहब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या 87 में जितना आप लोगों को फायदा मिला, कोशिश है 2019 में फायदा मिल जाए एसवाईएल नहर के पानी के मुद्दे के जरिए? हमने तो हमारी तरफ से एक बड़ा स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, आपको याद होगा हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग में हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने किसी भी राष्ट्रीय नेता का नाम लगाए उसके ऊपर, आप एसवाईएल का नाम बदल के नामकरण कीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैनाल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल और केवल पानी चाहिए, आप लेकर के आइए, हमें कोई मतलब नहीं है कौन लाएगा कैसे। बताइए संजय जी, क्रेडिट भी आपको दे रहे हैं उसके बावजूद भी आप प्रयास ही कर रहे हैं? नहीं तो हम तो प्रयास ही कर रहे हैं, 3.5 साल हुए हमारे आए हुए, तो इन्होंने क्या किया इतने साल से? इन्होंने तो राजनीति की। आप क्या चाहते कितने साल? नहीं देखिए फिर कमल जी, फिर वही बात है, हमारी तो अभी 3.5 साल हुए सरकार आई,
ज्यादातर सरकार कांग्रेस की सेंटर में रही, हरियाणा में रही, आईएनडी की सरकार रही, वो राजनीति करते रहे हैं। यानी आप कहते हैं कि चार दशक जैसे कि सर भी कह रहे हैं और रहे आपके राजनीति में इनेलो सहयोगी रही, उसके बाद भी आप इनेलो को कोस लेंगे, उसके बाद भी आप कांग्रेस को उस वक्त कोस लेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट आईएनएलडी हम अलायंस में रहे तब भी हमारे पांच विधायकों ने इस्तीफा दिया था एसवाईएल के मुद्दे पर चुनाव से नहीं, 2004 में। अरे इस मुद्दे पर दिया था इस्तीफा, देखिए आप इसको कहें 4 साल पहले, लेकिन जब मुद्दा आपने इनके इस्तीफे का ढोंग मैं 1985 से खोल दूं, 1985 में भी लोकदल और भाजपा की तरफ से घोषणा हुई थी सभी विधायक इस्तीफा देंगे। यहाँ पर इस्तीफा की जब आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उस समय पर सर संघ चालक थे उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया, भाजपा में से केवल डॉक्टर मंगल सेन ने उस समय इस्तीफा दिया था जबकि लोकदल के सभी विधायकों ने इस्तीफा दिया। और जब दूसरी बार इस्तीफा देने की बात आई बिल्कुल ठीक इलेक्शन से 4 महीने पहले इन्होंने देखिए बात किसने हुई थी, आप समय मत देखिए कि 4 महीने पहले बात एसवाईएल मुद्दे पर एनएलडी ने साथ नहीं दिया तो 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया था इसी मुद्दे पर, एसवाईएल के मुद्दे पर। लेकिन रंजीता मेहता जी, हरियाणा को अगर हरियाणा के हक का पानी मिल जाता तो 35,000 करोड़ का जो नुकसान हो चुका है हरियाणा को वो नहीं होता, उसमें कांग्रेस की भागीदारी कितनी है इस नुकसान में? मैं यही तो आपको बताना चाहती हूँ कि आज तक जितना भी नहर खुदाई का काम हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने करवाया और जो बादल सरकार ने डी नोटिफाई किया और जमीन को दोबारा भर के लोगों को वापस करने का काम किया। सरकार ने जो समझौता रद्द किया उसका भी जिक्र कीजिएगा। मैं बिल्कुल करूंगी, जो एग्रीमेंट भी उन्होंने बनाया बादल सरकार ने जो डी नोटिफाई किया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद, जो फैसला था 2004 के बाद आया है, ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके बाद बादलों ने उसको डीनोटिफाई किया है और उस जमीन को वापस करने का काम किया है। जो नहर खुद चुकी थी उस पर जितना पैसा खर्च हो चुका था आज वो नुकसान अगर हुआ है तो भाजपा और जो बादलों की सरकार का अलायंस था उन्होंने किया है और वो जिम्मेदार है। हालांकि जानकारी है पंजाब या हरियाणा के लोगों की बात कर ली जाए एसवाईएल पर गहरी जानकारी रखते हैं, आपको ये भी जानकारी होगी कि कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया था अपने पद से, कांग्रेस के पंजाब में जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया आपको सिर्फ याद रहता है कि जमीनें वापस लौटाई गई, पंजाब कांग्रेस ने समझौते को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया, कैप्टन साहब ने उस वक्त इस्तीफा दिया वो नजर नहीं आता आपको? मैं ज्योति जी, राजनीतिक पार्टियां अपने एरिया के अंदर अपने हक की बात करेंगी। हाँ। जो पंजाब की कांग्रेस पार्टी है वहां पर कैप्टन साहब ने जो उनको उनके क्षेत्र के ठीक लगा वो किया, हरियाणा ने हरियाणा के भाजपा ने पंजाब के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने आज आपके समय में आया हरियाणा में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, वोट बैंक की राजनीति है सिर्फ और कुछ इसकी है। जो समझदार वो होते हैं आप ये देखिए चंद्रबाबू, ये कहते हैं ना 3.5 साल, चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं आप, उसने 3 महीने में अपनी राजधानी बनानी शुरू कर दी, पैसे भी ले लिए, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है और इतनी बढ़िया जो हम्पी थी पुरानी वो यानी के जो वर्ल्ड हेरिटेज में है वो वहां लोग पहुंचेंगे उसकी वजह से टूरिज्म। लेकिन यहाँ हमारे जो हैं पैटी पॉलिटिशियंस मैं इनको कहूंगा, चाहे वो सीएम हो, आज कुछ नहीं कर पाए ना हाईकोर्ट के लिए कुछ कर पाए और नहर के निर्माण को लेकर सिर्फ राजनीति, सिर्फ हर जगह चंडीगढ़ पे राजनीति, पर हाईकोर्ट पर राजनीति, एसवाईएल पर राजनीति और कोई कुछ नहीं कर रहे सिवाय इसके। आप ये देखिए उसने बनानी शुरू कर दी 3 महीने में, ये 3.5 साल की बात करते हैं, 4 साल सेंटर के हो गए, 2016 से 2018 सेंटर का फर्ज था, उसने क्यों नहीं बनाई? वो इसलिए नहीं बनाई कि सब जगह वोटों की राजनीति है, ये आज जनता भी जानते, मैं और ढुलसा और आप नहीं जानते, ये तीनों ना कहें लेकिन आज सारी जनता जानती है कि ये जो कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने वोट लगता है कि बीजेपी के नेगेटिव इमेज बनेंगी अगर अब सब कुछ उनके पास है उसके बावजूद भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, एसवाईएल की नहर जो है वो बनवा नहीं पा रहे हैं, पानी नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल ये फर्क बहुत पड़ता है, हालांकि मैं राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बात आपने पहले ज्योति जी ने की थी कि क्या 1987 जैसा लाभ मिलेगा इनेलो को, क्यों नहीं मिलेगा मैं बताऊँ। 1987 का जो दौलत था ना, ये इमोशनल इशू तो एक बहाना होते हैं। 1982 में चौधरी देवीलाल जो सबसे ज्यादा सीटें जीत के आए थे उनको इलेजिटिमेट वे से
सत्ता से बाहर रखा गया था और उस वजह से हरियाणा के लोगों में एक गुस्सा था। वो गुस्सा किसी भी इमोशनल इशू के तौर पे बाहर आ जाता है। आज के दिन वो लोकदल को इनेलो को कोई वो एडवांटेज नहीं है कि उनको किसी गलत वजह से वो सत्ता से बाहर रह रहे हो, वो कुछ अपने कारणों की वजह से या अपनी संगठन की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से, जिसका यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, वो सत्ता से बाहर है। तो इसलिए एक तो वो राजनीतिक तौर पर छोटी सी मेरी तरफ से टिप्पणी होगी। लेकिन मैं एक जो बात संजय जी से दोबारा स्पेसिफिकली पुट करना चाहता हूँ, लगी दो एंकर बैठे हो तो तीसरे को नहीं बनना चाहिए जी, कि अगली तारीख फिर लग जाएगी 4-6 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में, क्या उस दिन फिर केंद्र सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल या एडिशनल सोलिसिटर जनरल खड़े होके यही बात कहेंगे कि अभी हम आपस में बैठ के समझौता करने वाले हैं, अरे भाई डेट दे दो, या ये कहेंगे इसको लागू करो? उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने की बात कर रहे हैं आपस में बैठ के, ये फैसला नहीं कर रहे कि जो ऑर्डर आ गया उसको बैठ के वो करें। लागू सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना, आपसे पूछा उस स्टेट को क्या रूख लोगे आप? से हम बात की हाल ही में, आप ये बताइए। नहीं, लागू तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना, गवर्नमेंट आपकी है, बताओ सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े खोदना है। कांग्रेस सरकार से आपने बात की है क्या अभी हाल ही में कोई बात? किस आपस में तो आप बात करें, एसओएल को लेकर ही नहीं, हमने बताया आपको कि हमने क्या आप प्रारूप तैयार कर रहे हैं, किस तरह से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और कितनी मुलाकातें होंगी? बिल्कुल मुलाकातें, ये मैं वही बता रहा हूँ, हमारे 3.5 साल के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट में हमने जो एक तथ्य रखे उसके खिलाफ उसमें पक्ष में फैसला आया। मैं एक बात का जवाब नहीं मिल पाया, आप ये बताइए, आप केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मुलाकात का जिक्र कर देते हैं, क्या पीएम वक्त नहीं देते इस मुद्दे पर? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अब कहीं ना मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं वही बताऊं, मेरे को ये जानकारी नहीं है कि समय लिया गया या नहीं दिया गया, ये मेरे जानकारी में नहीं है। लेकिन माननीय नितिन गडकरी से मिले, उन्होंने बिल्कुल ये कहा स्पष्ट रूप से, इसमें कोई राजनीति नहीं कि पंजाब का एसवाईएल का पानी जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो मिलेगा, इसमें कोई राजनीति नहीं गई उन्होंने, वो सेंट्रल मिनिस्टर है और सेंट्रल सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रूप है। सवाल वही का वही, आगे क्या, किससे मुलाकात, किससे बातचीत, आगे क्या, आगे बताइए आगे क्या होगा? आगे मैंने बताया, उन्होंने ये कहा साल बचा क्या होगा, मैंने कहा उससे पहले पहले फैसला हो जाएगा इस चीज का, एसवाईएल पंजाब का पानी हरियाणा को मिल जाएगा, ये इससे पहले हो जाएगा। मैंने कहा 2019 तक टाइम समय निकाले, हम समय नहीं निकाल रहे, हम समय नहीं निकाल रहे। जनता कैसे विश्वास करे बंद कमरों की बैठकों का? क्या मीडिया के सामने आकर सखा श्याम जी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की ओर से कभी कहा गया, कभी उनकी ओर से कहा गया कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए या फिर बीजेपी दिलवाएगी? मैडम, मैं इस बात को सुनना ही नहीं चाहता। मोटी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम न्यायालय है, उसने ऑर्डर कर दिया। अब मोदी जी का फर्ज है कि वो खुदवाएं, चाहे मिलिट्री खड़ी करके खुदवाएं, जब और जगह। आप ये बताइए, जल संसाधन मंत्री का क्या रोल है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया जी? क्या रोल हरियाणा की बीजेपी या कांग्रेस या एनएलओ का है, क्या पंजाब की उसका है? सब ये तो एक तरीके से बेशर्मी की बात है कि हम पॉलिटिकल बात करें। बात सीधी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब, लेकिन इन्होंने तो पद्मावती में भी झगड़ा करवा दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते तो पद्मावती में इतने झगड़े होते, 5 आदमियों को कर लेते। They don't want to do anything. क्या आप लोगों को जानकारी है इस बात की कि जेल भरो आंदोलन आप लोग करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि संजय आहूजा जी ने कहा कि किसी तरह का दबाव नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत खास? देखिए, अगर फर्क पड़ना होता तो आज प्रधानमंत्री जी के साथ में हम मिल करके बात कर चुके होते। यदि फर्क पड़ना होता तो इनके गडकरी जी ने जो कथित तौर पर इनकी कैबिनेट को जो आश्वासन दिया था, जब वो हरियाणा में आते हैं आकर के फिर पाकिस्तान का पानी की बात करते हैं, ये केवल और केवल अपने इश्यूज को डाइवर्ट करके बात। देखिए ज्योति जी, अगर प्रधानमंत्री जी की इच्छा होगी और प्रधानमंत्री जी इसको सॉल्व करवाना चाहेंगे तो एक दिन भी नहीं लगेगा, उसी दिन से नहर खुद सकती है और पानी मिल सकता है। और भाजपा इस पे 1 महीना लगाए, 2 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, आज बॉल इनकी कोर्ट में है और इनको डिसाइड करना है कि वो किस दिन करेंगे। सभी का शुक्रिया वक्त देने के लिए, बने रखने के लिए। तो चर्चा बड़ी बात पे यही की कि पानी की दरकार तो हालांकि है, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के जो किसान है उनकी लाइफलाइन हो सकता है एसवाईएल का पानी, लेकिन पानी पर सिर्फ सियासत की गई एक बार फिर से, सियासत जोरों पर। और हमेशा ऐसा देखने को भी मिला है, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 40 साल होने को है लेकिन अभी तक भी जो दक्षिण हरियाणा की जो नहरें हैं वो खाली हैं, वहां पर पानी नहीं आ पाया है। लेकिन राजनीति पर राजनीति और हमेशा राजनीति, इससे आगे क्या होगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा। बड़ी बात में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।